हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। मेरी तो बहुत बिजी गुजरी, इसलिए व्लॉग्स थोड़े से लेट हो गए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वहीं से जहां से कल का एंड हुआ था। ये है चांद रात से एक दिन पहले वाली रात और हम लोग निकल रहे थे फिर से बाहर, बस फाइनल ईद की तैयारियों के लिए। और हम लोग निकल पड़े थे, इस वक्त कोई 10:30 का टाइम हो रहा था। हम लोग जा रहे थे लकी वन एंड वी आर हेयर अगेन एट लकी वन। और जो हमारा फर्स्ट स्टॉप है वो है अलमीरा। 5 मिनट में ही डिसाइड हो गया कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं लेना, सो अब हम जा रहे हैं किसी दूसरे आउटलेट। नेक्स्ट टर्न है जनरेशन की, माई ऑल टाइम फेवरेट आउटलेट। This is so good, man. This is so me. सब ले जाते हैं, पूरा पूरा खाड़ी के जो होम सेक्शन है ना, सब उठा के ले जाते हैं। Okay, I really like this bag. ट्रक आर्ट का है और बड़ा सा भी है, एंड आई वॉन्ट टू बाई दिस, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है शुड आई गो फॉर दिस और नॉट। अभी तो मेरे यहाँ के चक्कर लगते रहेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा, जैसे बाहर ग्रॉसरी करने के लिए जाना होता है एक बड़ा बैग सा चाहिए होता है, एंड दिस इज़ वेरी लाइट वेट। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, सो आप लोग मुझे बताएं शुड आई गो फॉर दिस वन और नॉट, फिर मैं आके इसको ले लूँगी। मेरा नेफ्यू वहाँ पे मेरा फ़ोन लेके भाग कर गया था और जूम करके वीडियो बना कर लाया। हम थर्ड फ्लोर पे थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शायद अफरीदी आया हुआ था लकी वन में, सो उसने वो रिकॉर्ड कर लिया था और फिर बोला कि इसको वीडियो में ऐड करें, तो मैंने कर दिया आप सबके लिए भी और उसकी खुशी के लिए भी। खैर, यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग कोई अराउंड 3:30 या 3 बजे आ गए थे बॉम्बे कोयला कढ़ाई। ये हाईवे में बहुत आगे जाके है, लेकिन ये बहुत मज़े का है। इतना कोई फैंसी बना हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छी ऑथेंटिक मटन कढ़ाई खानी है और बारबेक्यू खाना है, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू ईट। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स कराची में हैं वो ज़रूर जाएं और यहाँ की बॉम्बे कोयला कढ़ाई की मटन कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनकी कढ़ाई की खास बात यह है कि जो इनकी मटन कढ़ाई होती है दैट इज़ बोनलेस, छोटी छोटी बोटियाँ बनी हुई होती हैं बट बोनलेस। तो खैर, हम लोग यहाँ पर आ गए थे सब एक साथ और भाई की फैमिली साथ नहीं थी, उनकी अपनी अलग कुछ कमिटमेंट्स थी, बट हम सब आ गए थे यमी सा खाना खाने
के लिए, और जब से हम लोग आए हैं ये पहली बार था हम लोगों ने प्रॉपरली बाहर का खाना खाया था, बारबेक्यू एंड कढ़ाई वगैरह देसी खाना। एंड आई बेट यू कराची से बेहतर खाना दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। कराची फूड इज वन ऑफ द बेस्ट फूड्स इन द वर्ल्ड। और ये देखें कितनी मजेदार सी कढ़ाई है, बिल्कुल बोनलेस मटन कढ़ाई और बहुत यमी थी। बीफ बोटी भी बहुत मजे की थी। और अब ये है नेक्स्ट डे, मैं अपने ससुराल आ गई थी और मैं ड्राइंग रूम में किसी काम से आई थी तो मैंने देखा एक पूरे शेल्फ पे मेरे हस्बैंड के जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो सब रखे हुए थे। ये मैंने सुना था पर कभी नोट ही नहीं किया, और आज पहली बार मैं जब मैंने यहाँ गौर से देखा तो मुझे नजर आया उनके नर्सरी से लेके ए लेवल्स तक जितनी भी पोजीशंस थी या जो जो उनके स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स वगैरह थे वो सब यहाँ पे रखे हुए थे। अच्छा लग रहा था, मुझे देख के खुशी हो रही थी। छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स आपकी जब आपकी फैमिली सेलिब्रेट करती है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं तो वो सब भी चीजें रखी हुई थी। बस अच्छा लगा, खुशी हुई देखकर, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये हस्बैंड कह रहे थे कि इन सबको अपने साथ ले चलते हैं, पर मैंने कहा रहने दें, आपकी मदर ने इतने प्यार से इनको यहाँ डेकोरेट किया हुआ तो लेट इट बी, वो खुश होती होंगी देखकर। मैंने इसको एज अ मेमोरी बस रिकॉर्ड कर लिया, इसको मैं अपने साथ रखूंगी क्लब को हमेशा। आज 30th रोजा था इसलिए मुझे पता था कि चांद रात ही है। रोजा खोलते ही फौरन मैं चली गई थी पार्लर, आई थिंक रोजा खोलने के 15 मिनट बाद ही हम लोग निकल गए थे। इस टाइम भी मुझे पता था इतना रश नहीं मिलेगा। वैसे भी 29th रोजे की कंफ्यूजन में मोस्टली लोगों ने सब कुछ कल ही अपने सारे काम करा लिए थे, बट मुझे तो चांद रात की रौनक ही देखनी थी, उसी में सारे काम कराने थे, इसलिए मैं तो वेट कर रही थी चांद रात का। और मैं आ गई थी अपने फेवरेट पार्लर, ये हम मेरे ससुराल और मैं के दोनों से करीब है, और सीधी बात यह है कि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ये मैनी पैडी में इतना लंबा मसाज देते हैं, इतना डिटेल में सारा काम करते हैं, और मुझे ऐसे स्किन को मेरी कोई जरूरत तो है नहीं फेशियल या मैनी पैडी की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही उनका ख्याल रखती हूँ, बट मुझे मसाज अच्छा सा लेना था इसलिए मैं अपने इसी पुराने पार्लर में आई जहाँ पे मैं सेटिस्फाई होती हूँ। बहुत अच्छा पार्लर है, इसका नाम है कैनवस ब्यूटी बार। आप लोगों में से कोई अगर अच्छी सर्विसेज लेना चाहता है तो वो यहाँ जरूर आ सकता है। एंड ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे कोई भी कुछ भी उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है, बस आप लोगों के साथ एक जेन्युइन अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। नेल फाइलिंग के बाद मेरा मैनी पैडी दोनों स्टार्ट हो गए थे, और यहाँ पे देखें ये लोग कितने डिटेल में मसाज देंगे। और मैंने सेलेक्ट किया था OPI मैनी पैडी, तो उसमें मास्क वगैरह भी इंक्लूडेड थे हैंड और फीट के, तो मैंने इसको मैनी पैडी सेशन के बाद मैं आ गई थी अपना फेशियल कराने के लिए। ये फेशियल रूम था, मैंने थोड़ी सी क्लिप बना दी आप लोगों के लिए, और ये देखें मेरे हाथ आफ्टर मैनी पैडी कितने नीट एंड क्लीन सॉर्टेड लग रहे थे। और नेल्स मैंने स्क्वायर शेप में इस बार फाइल कराए थे अपने, और ये जो मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है ये 786 कॉस्मेटिक्स का है। और ये कुछ क्लिप्स बनी हुई है बाहर की, यहाँ पे जी चांद रात की रौनकें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है गल्फ मार्केट के बाहर के नज़ारे, बेतहाशा रश्ता ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर, बाहर मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए थे, ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हुए थे, और बेतहाशा खवतीन थी। मैंने आप लोगों के लिए भी क्लिप्स बना लिए, और यहाँ पे ये है मेरी फ्रेंड वजिया जो अपने लिए ज्वेलरी खरीद रही है एक्साइटेड होके, माशाल्लाह बहुत मजेदार सी रौनक थी। आप लोग भी इंजॉय कीजिए कराची की चांद रात की रौनकें। मेरी इस साल की मेहंदी बहुत एलिगेंट सी और जो मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही लगी थी, थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब हो गया था बट मुझे बहुत पसंद आई। खैर मेहंदी वगैरह लगा के मैं आ गई थी दोबारा अपने इन लॉज के घर, और हमने रात में ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा क्योंकि सभी जागे थे, चांद रात थी, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा था, और मैं भी बहुत लेट वापस आई थी सब मेहंदी वगैरह से फ्री होके। मेरी नन भी मेरे साथ गई थी तो हम दोनों के तो हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मदर इन लॉ ने घर के बाकी सारे काम किए थे, कल की तैयारी की थी, तो इसलिए अब हमने खाने के लिए मंगा लिया था यहाँ पे पिज्जा। ये पिज्जा नहीं है बेसिकली, ये नान स्टॉप का नान पिज्जा है, तो ये नान के ऊपर बना हुआ पिज्जा बहुत यमी सा था, हमने इसको एंजॉय किया। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आज की, अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।
मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो बैग मुझे लेना चाहिए या नहीं जो मैंने व्लॉग में आज शेयर किया है, और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। ईद का व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।